हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास यूकेजी में फोनिक साउंड आई पढ़ेंगे। ओके, पहले के वीडियो में हमने फोनिक साउंड ए देखा हुआ था और साथ में हमने पढ़ा था ई। ए का हिंदी में साउंड क्या था? ए, जिसे हमने मेनी वर्ड्स बनाए थे, बहुत सारे वर्ड्स बनाए थे, जैसे बैट, रैट, बैग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम उसके बाद हमने ई से बनाया था, ई से बनाया था, हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ई साउंड पढ़ा था। ई को हिंदी में बोलते हैं ए, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ए। तो इसका हम लोग कुछ ने कुछ इस तरीके से वर्ड बनाया, जैसे हो गया आपका बेट, सेट, से, ठीक है। तो आज हम लोग आई साउंड पढ़ेंगे। चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आई, आई का हिंदी में साउंड क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं छोटी। छोटी की मात्रा किधर से होती है? सॉरी, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी। हम अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप इसको देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हम साउंड, फोनिक साउंड में एक एक लेटर को क्या पढ़ते हैं। जैसे ब का साउंड क्या था हिंदी में? सॉरी, बी का साउंड क्या था? ब। तो ब हो गया, और यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे इट। ये हमारा आई टी है ना, आई टी को हम क्या पढ़ेंगे? इसको इट। आई, ये आई को हम क्या पढ़ेंगे? ई। और टी को क्या पढ़ेंगे? ट। तो ये हमारा क्या बन गया? इट। उसी प्रकार से ये हमारा क्या है? ई। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ग। जी को हम क्या पढ़ते थे? ग। उसी प्रकार से ये हमारा आई है, आई को हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? ई। और पी को पढ़ते थे? प। तो ये हो जाएगा इप, ठीक है। हमारा लास्ट में जो आएगा कुछ इस तरीके से वर्ड बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी लिखा था, बी का हिंदी में साउंड क्या था? ब। और ये हो गया इट, तो इसको हम पढ़ेंगे बीट। क्या पढ़ेंगे इसको? बीट, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बनाते हैं एफ। एफ को क्या पढ़ते थे? फ। और ये हो गया इट, तो हो गया फिट। एच आई टी हिट। एल आई टी लिट। के आई टी किट। एंड पी आई टी पिट। एच को पढ़ते थे ह, इसलिए हमारा हो गया हिट। ल, एल को पढ़ते थे ल, ल से हमारा क्या हो गया? लिट। के को पढ़ते थे क, क को, क से हमारा ये हो गया किट। और प से, सॉरी, पी को हम पढ़ते थे प, प से हमारा हो गया पिट। कुछ इस तरीके से, ओके। आगे हम देखते हैं, ये हमारा है ईग, ओके। आई से ई हो गया और जी से ग हो गया, तो ये पूरा क्या बन गया? ईग। अब इसे हम वर्ड बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे यही सेम लेटर अगर हम यहाँ लिख दे तो ये हमारा क्या हो गया? बिग। क्या हो गया? बिग, ओके। ऐसे हम आगे बनाएंगे पी, पी आई जी पिग, एफ आई जी फिग, डब्ल्यू आई जी विग, डी आई जी डिग, जे आई जी जिग। पी को पढ़ते थे प और ये ईग, तो क्या हो गया? पिग, फिग। डब्ल्यू को पढ़ते थे वा, ये हमारा हो गया विग। डी को पढ़ते थे ड, ये हो गया डिग। और जे को पढ़ते थे ज, ये हमारा हो गया जिग, ओके। अब ये हमारा क्या है? इप। आई, आई से हो गया ई, और पी, पी से हो गया हमारा प, ठीक। अब इसको हम बनाते हैं डी, डीप। डी से हमारा हो गया ड, और ये हो गया इप, तो क्या हो गया? डीप। जे आई पी जिप। एच आई पी हिप। एस आई पी शिप। टी आई पी टिप। एल आई पी लिप। ऐसे जेड आई पी जिप। कुछ इस तरीके से हमारे वर्ड बन जाएंगे, ओके। इसी तरीके से हम पूरे वर्ड को छोटा छोटा एकदम बना के उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके हमसे बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके आगे भी हम कई वर्ड्स बनाएंगे, जैसे हो गया आइस लेके, ठीक है, आई सी कुछ इस तरीके से, आई एन जी और आई एस एच, इन वर्ड्स को भी लेकर हम वर्ड्स तैयार करेंगे, ठीक है। हम इन लेटर्स को लेकर भी अपने वर्ड्स को तैयार करेंगे और उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आए कुछ इस तरीके से हम पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का आपका होमवर्क यही हो गया कि आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है।